दोस्तों भगवा लव ट्रैप जिस तरीके से मुस्लिम बच्चियों को जगह जगह टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी हैं और इन तस्वीरों में अब दो तस्वीरें ऐड की जा रही हैं। एक वो कि किस तरीके से मुस्लिम बच्चियों को ये लोग अपनी जालसाजी में चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा करके उनके साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, जिसके खिलाफ तमाम मुस्लिम नौजवानों ने अलर्ट करने की कोशिश की है। तो वहीं दूसरी तस्वीर ये सामने आ रही है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कुछ युवा, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं बच्चियों को इन हरकतों से करने के लिए रोक रहे हैं, जहां जगह जगह बुर्का पहनी हुई बच्चियों को वो रोक करके समझा रहे हैं और उनके माता पिता को बुला करके उनके हवाले कर दे रहे हैं। अब इन तस्वीरों से भगवाधारियों को डर लगने लगा है और इन तस्वीरों को देख करके भगवाधारियों ने एक अलग तरीके से मुसलमानों को फंसाने की साजिशें शुरू कर दी हैं। जहां पहली तस्वीर मुरादाबाद से सामने आई है, जहां मुरादाबाद में खास तौर पर ये लोग मुस्लिम बच्चियों को टारगेट करते हुए दिखाई दिए, जहां मुस्लिम बच्चियों के साथ मारपीट की जा रही है और कुछ जो तथाकथित न्यूज चैनल हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, जो वेबसाइट है वो इस वीडियो को साझा करते हुए ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए कि कैसे कट्टरपंथी समुदाय के लोग जो हैं वो मुस्लिम बच्चियों के साथ गलत सुलूक कर रहे हैं। पर शुक्र है मुरादाबाद पुलिस का जिसने इस वीडियो को जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के दौरान ये तस्वीर सामने आ गई कि मुस्लिम बच्चियों को परेशान करने वाले, उनके साथ मारपीट करने वाले लोग जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो कलेक्टर हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो मुस्लिम बच्चियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हुए दिखाई दिए हैं। पहले इस पूरे वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से बच्चियों के साथ सड़क पर जो बुर्का पहने हुए हैं उनके साथ में ये मारपीट करते हैं, उनके साथ गलत हरकत करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, जिसका विरोध उसकी बहन वहीं खड़े हुए इन संघी गुंडों से करती है और इन संघी गुंडों के खिलाफ उन महिलाओं ने, उन बच्चियों ने हौसला दिखाया और जमकर उनका मुकाबला भी किया और इन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। जब जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि ये मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग नहीं जो बच्चियों के साथ इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे थे, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। मुरादाबाद में दो बहनों ने भाजपा कार्यकर्ता की लात घूसों से पिटाई करती, इतना मारा कि कपड़े फाड़ डाले। बहनों का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता और उसके साथियों ने उसके साथ छेड़खानी की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पार्षद के बेटे, भाजपा कार्यकर्ता और एक कलेक्ट्रेट कर्मी समेत चार को गिरफ्तार किया है। भाजपा कार्यकर्ता को पीटने वाली बहनें सिविल लाइंस के चक्कर की मिलक में रहती हैं। युवती का यह साफ तौर पर कहना है कि दो दिन पहले वो अपनी छोटी बहन के साथ लेकर काशीराम नगर में अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। रात में करीब 10 बजे वहां से वापसी के वक्त PSC तिराहे पर अंडे के ठेले पर शराब पी रहे युवकों ने
उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। युवती का आरोप है कि उसने और उसकी बहन ने जब छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे गुस्साई बहनों ने आरोपियों की जमकर सड़क पर धुनाई करना शुरू कर दी। इनमें से एक को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। घटना का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया, जिसमें दोनों बहनें भाजपा कार्यकर्ता अनुज यादव को पीटती नजर आ रही हैं। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से भाजपा कार्यकर्ता अनुज यादव, पार्षद पंकज शर्मा के बेटे अनुज शर्मा, कलेक्ट्रेट कर्मचारी नंदन नेगी और सुमित को भी हिरासत में ले लिया है और थाने ले गई। बाद में इन चारों का पुलिस ने शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया। उधर युवती ने दो अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। सोचिए, इतनी बड़ी घटना पर उनका माहौल बिगाड़ने के हिसाब से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, क्योंकि यहां बच्चियों को परेशान करने वाले, उनको छेड़छाड़ करने वाले ये संघी गुंडे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। और जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं तो नियम कानून अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई। पर कुछ तथाकथित सुदर्शन न्यूज चैनल जैसे पत्रकारों ने, रिपोर्टरों ने यह चलाया कि देखिए कैसे कट्टरपंथी समुदाय के लोग जो हैं वो अपनी बहन बेटियों के साथ ये कर रहे हैं। पर जब पुलिस ने खुलासा किया तो तस्वीर मुरादाबाद की कुछ और ही सामने आई है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।